werden. मूवी के स्टार्ट में हम किसान को देखते हैं जो कि अपने बेटे को सुलाने के लिए कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो कहानी के अनुसार बताता है कि कुछ पादरियों ने मिलकर एक जादुई बीज बनाया था और उनका जादुई बीज ऐसा होता है कि धरती के पानी को छूते ही वो तुरंत से ही बढ़ने लगता था और वो आसमान में बढ़ता ही जाता था। दरअसल उन पादरियों ने उस बीज का निर्माण इसलिए किया था ताकि वो स्वर्ग तक पहुंच सके, और ये पादरी पेड़ की बेलों से चढ़कर स्वर्ग तक जाना चाहते थे ताकि वो ईश्वर से मिल सके। और जब ये पादरी उस बीज को बोते हैं तो उसके निकलने वाले पेड़ चंद मिनटों में ही वो बादलों से ऊंचा हो जाता है। और जब ये पादरी लोग पेड़ पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये सब स्वर्ग में नहीं पहुंचे हैं, बल्कि ये स्वर्ग और धरती के बीच में एक ऐसी दुनिया है जहां पर बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। और जैसे ही उन राक्षस की नजर पादरियों पर पड़ती है तो वो उन्हें पकड़कर चीर फाड़कर जिंदा ही खा जाते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि उन मॉन्स्टर्स को इंसानों का खून और मांस बहुत ही ज्यादा पसंद था। तब ये सारे राक्षस पेड़ से नीचे आने लगते हैं ताकि वो धरती पर इंसानों पर राज कर सकें और उन्हें मारकर खा सकें। फिर हम देखते हैं कि धरती के राजा किंग एरिक राक्षसों को सब तबाह करने से रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उनके पादरी एक राक्षस को मारकर उसका दिल निकाल लेते हैं और कुछ जादुई मंत्रों को पढ़कर उसको पिघलाकर एक पावरफुल क्राउन बनाते हैं, और उस क्राउन को पहनते ही किंग एरिक सारे मॉन्स्टर्स का भी राजा बन जाता है। यानी कि सारे राक्षस किंग एरिक के सामने घुटने टेक देते हैं, और हमें पता चलता है कि उस में उन मॉन्स्टर्स की जान बसी हुई थी। तब किंग एरिक उन राक्षसों को अपनी दुनिया में जाने को हुक्म देता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही राक्षस अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं वैसे ही धरती पर पेड़ों को काट दिया जाता है ताकि वो राक्षस फिर से दोबारा धरती पर ना आ सके। अब कुछ साल बाद हम देखते हैं कि राजा एरिक की मौत हो जाती है, यानी कि रेस्ट इन पीस हो जाते हैं, जिसके बाद राजा के ताज को और बड़े वाले पेड़ों के बीच को राजा की कब्र के साथ ही दफना दिया जाता है। अब मूवी का सीन कट होता है और हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, और हम जैक को देखते हैं जो कि वही किसान का बेटा होता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि जैक के पापा भी खत्म हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जैक अपना घोड़ा लेकर मार्केट के महल की तरफ जा रहा था ताकि वो अपने अजीज प्यारे घोड़े को बेचकर कुछ पैसे कमा सके। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक पादरी को देखते हैं जो महल से छुप छुपा कर जा रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा जाते महल के मंत्री रॉड्रिक देख लेता है। और जब रॉड्रिक अपने रूम में चेक करता है तो उसे वहाँ पर सारी चीजें बिखरी हुई नजर आती हैं, और वो जल्दी से एक मोटी सी बुक उठाकर देखता है जिसे देखने पर लगता है कि शायद उसमें से कुछ रखा गया था जो कि अब गायब हो चुका है। और तभी मंत्री वहां पर पड़े एक टूटे गमले को देखता है जिसमें राजा एरिक का वही जादुई ताज होता है। अब यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि मंत्री यहाँ का जो है वो कुछ गलत करने वाला है, क्योंकि उसने किंग एरिक का ताज और बीज को भी निकाल लिया था, लेकिन उसे पता चल जाता है कि वो जादुई बीज पादरी ने चुरा लिया है, तभी तो छुपके से महल से भाग रहा था। इसके बाद मंत्री अपने हुक्म से सारे महल को सील करवा देता है। वहां पे एक एक आदमी की तलाशी लेना शुरू हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम उस पादरी को देखते हैं जो कि जैक से टकराकर मिल जाता है और वो जैक का घोड़ा भी खरीदने लगता है। पादरी जैक का घोड़ा खरीदना चाहता था लेकिन इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जैक कहता है कि मैं तुम्हें घोड़ा बिना पैसे के नहीं देने वाला। तब वो पादरी जैक को वही जादुई बीज देता है और कहता है कि ये तुम जाके चर्च के पादरी को दे देना, जिस पर वो तुम्हें तुम्हारे घोड़े की अच्छी कीमत लगाकर पैसे दे देगा। और साथ ही में वो पादरी जैक से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बीज को तुम भीगने मत देना पानी में। तब वो पादरी जैक का घोड़ा लेकर भाग निकलता है, लेकिन वो भाग ही रहा होता है तब तक मंत्री के सिपाही आकर उसे पकड़ लेते हैं। अब मूवी का सीन कट होता है और हम यहाँ पे इस राज्य के अभी के राजा को देखते हैं जो अपनी बेटी इसाबेल की शादी वहाँ के मंत्री से करवाना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी इस शादी से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता था कि मंत्री एक बहुत बुरा इंसान है और इसे बहुत ही ज्यादा यकीन था। अब हम दूसरी तरफ जैक के अंकल को देखते हैं जो कि जैक को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कह रहे होते हैं क्योंकि उसने अपने घोड़े को बिना पैसे ही बेच डाला। तभी अंकल गुस्से में आकर जादुई बीज को नीचे फेंक देते हैं। तब जैक सारे बीजों को उठाने लगता है लेकिन उसमें से एक बीज खिसक कर नीचे चला जाता है। अगले सीन में हम प्रिंसेस इसाबेल को महल छोड़कर जंगल में भाग जाती है और मौसम खराब होने की वजह से रास्ता भी खराब हो जाता है, जिससे इसाबेल अपना रास्ता भटक जाती है और वो जाके जैक के झोपड़े में पहुंच जाती है। और इसाबेल एक रात के लिए उसके घर में जगह मांगती है और उसकी ड्रेस देखते ही जैक को पता चल जाता है कि वो शाही घराने से है, तो जैक उसके सामने अपने घुटने टेक कर उसकी रिस्पेक्ट करता है। हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तब तक बारिश का पानी उस बीच
बीच तक पहुंच जाता है जो कि घर के नीचे था। तभी वहां पर एक भूकंप सा आने लगता है और वहां की सारी जगह हिलने लगती है और हम देखते हैं कि वो बीज बारिश से भीगते ही एक बड़े से पेड़ के रूप में बदलने लगता है और वो पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगता है और उसकी एक टहनी जैक के घर को भी अपने साथ ऊपर की तरफ उठा ले जाती है। तभी जैक एक टहनी से टकराकर घर से बाहर गिर जाता है और प्रिंसेस इजाबेल घर के साथ ही ऊपर चली जाती है। अगले दिन जब जैक को होश आता है तो देखता है कि वहाँ के राजा और उनकी पूरी सेना खड़ी हुई है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तभी जैक के बताने पर पता चलता है कि राजकुमारी इजाबेल उस घर में पेड़ के ऊपर आसमान में फंसी हुई है। अब किंग अपने खास सिपाहियों और सेनापति को आदेश देता है कि वो ऊपर जाके राजकुमारी को सुरक्षित वापस लेकर आए। फिर राजा का मंत्री रॉड्रिक भी कहता है कि मैं भी इनके साथ ऊपर जाऊंगा। इसके बाद कुछ सैनिक ऊपर जाने लगते हैं और वहां पर उन्हें पहुंचने में 4 दिन और 4 रातों का वक्त लगता है, लेकिन रॉड्रिक के इरादे कुछ और ही थे इसलिए वो कुछ सिपाहियों को बीच में ही गिरा देता है। अब वहां पर जब वो फाइनली पहुंच जाते हैं तो जब वो नीचे देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उनके पूर्वज उनको जो कहानी सुनाया करते थे बचपन से वो सारी सच है और उन्हें विश्वास हो जाता है कि राक्षसों की दुनिया असल में है। अब जैक जब छानबीन करता है तो उसे वही गिरी हुई किताब मिलती है जो कि उसने पिछली रात को इजाबेल को पढ़ने के लिए दी थी और जब जैक वहां घुसकर ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि पेड़ों की टहनियां टूटी हुई हैं, जिस पर वो समझ जाता है कि यहां पर कुछ तो हुआ है। फिर हम देखते हैं कि सारे सिपाही जब राजकुमारी को ढूंढने में व्यस्त होते हैं तो उनका मंत्री और उसका एक आदमी जैक को पकड़ लेते हैं और उससे वो जादुई बीज मांगने लगते हैं। तो जैक को मजबूरी में वो बीज मंत्री को वापस करने पड़ते हैं, नहीं तो वो उसे वहीं पर जान से मार डालते। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक जब बीज वापस कर रहा था तो उसमें से उसने एक बीज को चुरा लिया था। आगे वो 3-3 लोगों की टीम बना लेते हैं और सभी इजाबेल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी आगे चलकर उनका सामना एक जायंट मॉन्स्टर से होता है। वो बड़ा सा राक्षस इन पर हमला कर देता है जिससे जैक के 2 साथी जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं और वो जायंट मॉन्स्टर दोनों को अपने साथ टांग कर ले जाता है और यहाँ पर जैक मॉन्स्टर की नजरों से बचने के लिए खुद को पानी में छिपा लेता है और फिर बाद में मॉन्स्टर का पीछा भी करने लगता है। दूसरी ओर हम मंत्री को देखते हैं जिसका साथी को भी एक बड़ा सा राक्षस पकड़ लेता है और उसे पकड़कर जिंदा ही खा जाता है। अब वो सारे जाइंट मॉन्स्टर इकट्ठा हो गए थे और मंत्री को मानने ही वाले थे, लेकिन मॉन्स्टर मंत्री को कुछ कर पाते इससे पहले ही मंत्री राजा का मैजिकल ताज निकाल लेता है और उस ताज को देखते ही वो सारे राक्षस मंत्री के गुलाम हो जाते हैं। अब दूसरी ओर जैक राक्षस का पीछा कर रहा होता है और उसके महल में पहुंच जाता है। वो वहां पे देखता है कि इजाबेल बंदी है और उसके साथियों को भी बांध कर रखा गया है और कुछ को तो राक्षसों के कमांडर ने जिंदा ही खा लिया था। वहां के राक्षस इजाबेल और के साथियों को भी खाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर ताज पहने हुए मंत्री आ जाता है। उस जादुई क्राउन को देखकर कमांडर और सारे राक्षस अपने घुटने टेककर उसके गुलाम हो जाते हैं। राक्षसों की मजबूरी में झोंकना पड़ता है और ऐसा देख मंत्री बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब मंत्री को इस बात का घमंड भी हो जाता है कि उसके कंट्रोल में अब सारी दुनिया है, क्योंकि उसके पास अब बहुत ही बड़ी जायंट मॉन्स्टर्स की फौज है जिन्हें दुनिया की कोई भी दूसरी सेना हरा नहीं सकती थी। अब मंत्री राक्षसों के कमांडर को हुक्म देता है, उनसे कहता है कि हम कल सुबह ही जमीन पर चलेंगे और वहां पर तुम सब धरती पर पहुंचकर सारे राज्यों पर कब्जा करोगे मेरे लिए और धरती पर रहने वाले सारे लोगों को तुम मेरा गुलाम बनाओगे। दूसरी तरफ हम एक और राक्षस को देखते हैं जो रसोई में इजाबेल और उसके साथियों को पकाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन छुप छुपा कर जैक भी वहां पर पहुंच जाता है। तब हम देखते हैं कि जैक एक बहुत ही बड़ी चाकू लेता है और उससे राक्षस के अंदर घुसा देता है और बहुत कोशिश के बाद इजाबेल उसके साथियों को छुड़ा लेता है। अब अगली सुबह जब सब नीचे जाने वाले होते हैं तो सेनापति कहता है कि जैक से कि तुम राजकुमारी इजाबेल को सेफली नीचे लेकर जाओ और बताता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा क्योंकि मुझे पहले उस धोखेबाज गद्दार मंत्री से निपटना है और उससे वो ताज भी लेना है, वरना धरती पर न जाने क्या हो जाएगा, ये राक्षस इंसानों को खाकर उनकी खून की नदी बहा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इजाबेल और जैक पेड़ से नीचे आने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब सेनापति एलमोंट वहीं रोककर मंत्री रॉड्रिक को मारने का मौका ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर मंत्री जायंट मॉन्स्टर्स की पूरी सेना लेकर नीचे जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी सेनापति मंत्री पर हमला कर उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है और उस लड़ाई में सेनापति एलमोंट मंत्री रॉड्रिक को मार देता है, लेकिन जब तक वो लॉर्ड रॉड्रिक के सर से ताज निकाल पाता उससे पहले राक्षसों का कमांडर मंत्री के सर से ताज निकाल लेता है और ताज को रिंग बनाकर अपनी उंगली में पहन लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे जायंट मॉन्स्टर्स कमांडर के सामने झुककर उसे अपने
अपना लीडर मान लेते हैं। अब वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब वो सभी आजाद हो चुके थे और उन्हें अब कोई डर नहीं था। अब नीचे धरती पर राजा ब्रामवेल पेड़ों को कटवा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कि राक्षस अब नीचे आने वाले हैं। अब सभी पेड़ों को नीचे गिरते हुए देख सेनापति एलमोंड भी कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है और महल के किनारे एक तालाब में गिरता है और दूसरी तरफ इजाबेल और जैक भी एक खेत में जाकर गिरते हैं और ऐसे तीनों की जान बच जाती है। लेकिन दूसरी ओर उन राक्षसों को मंत्री के बीज का थैला मिल जाता है और थैले में 5 बीज और होते हैं जिसको मॉन्स्टर्स पानी में डाल देते हैं और पानी में पड़ते ही वो बीज बढ़कर धरती की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे राक्षस उन पेड़ों की मदद से धरती पर जाने लगते हैं। अब इतने बड़े बड़े राक्षसों के झुंड को देखकर वहां की सेना महल की तरफ भागने लगती है लेकिन बहुत सारे मॉन्स्टर्स बहुत सारे लोगों को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मार डालते हैं और कुछ को जिंदा खाकर अपनी भूख को शांत करते हैं। और हम देखते हैं कि राजा की महल तक सिर्फ खुद राजा जैक और इजाबेल ही पहुंच पाते हैं। अब खतरे को देख सेनापति एलमोंड महल के चारों तरफ आग लगवा देता है ताकि कोई भी मॉन्स्टर अंदर ना आ पाए और वो लोग महल के अंदर जाने वाली ब्रिज को लॉक करने लगते हैं लेकिन वो ब्रिज को पूरी तरह से लॉक कर पाते उससे पहले ही शैतान वहां आकर ब्रिज को लॉक होने से रोक लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ राक्षस और वो लोग उस ब्रिज की रस्सी को खींच रहे होते हैं। इसी दौरान राक्षसों का कमांडर हमले में तीर लगने की वजह से उस आग में गिर जाता है जिसके बाद वो तैरता हुआ वो महल के नीचे चला जाता है। अंदर जैक और इजाबेल महल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं जिससे वो दूसरे राज्यों में पहुंचकर आने वाले खतरे के बारे में उन्हें आगाह कर सके। अब वो दोनों महल के गुप्त रास्ते में जा ही रहे होते तभी वहाँ जमीन फाड़ कर राक्षसों का कमांडर आ जाता है और गुस्से में उन पर अटैक करने लगता है। इसके बाद जैक और इजाबेल बचकर कमांडर के हमलों से भागने लगते हैं लेकिन फाइनली वो इजाबेल को पकड़ ही लेता है। हम देखते हैं कि वो कमांडर इजाबेल को खाने ही वाला होता है लेकिन तभी जैक गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है लेकिन कुल्हाड़ी मारने से पहले ही वो जैक को भी पकड़ लेता है तो जैक कुल्हाड़ी फेंकता है जिससे कुल्हाड़ी उसके दूसरे सर में जाके लगती है तो राक्षसों का कमांडर गुस्सा होकर जैक और इजाबेल को अपने दोनों मुंह में एक साथ जिंदा खाने वाला होता है। जैसे ही कमांडर उन्हें खाने के लिए अपने मुंह को फैलाता है वैसे ही जैक आखिरी बचा हुआ बीज उसके मुंह के अंदर डाल देता है। अब वो बीज राक्षस के मुंह के अंदर जा चुका था जो कि उसके पेट के अंदर पहुंचकर पानी के संपर्क में आ जाता है और पानी से भीगते ही बीज अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अब वो राक्षसों का कमांडर धीरे धीरे परेशान होने लगता है और जैक और इजाबेल को नीचे गिरा देता है और देखते ही देखते वो बीज एक पेड़ बनने लगता है जिसकी वजह से वो राक्षसों का कमांडर फट के मर जाता है और देखते ही देखते वो पेड़ इतना बड़ा होने लगता है कि वो महल को तोड़कर हो जाता है। फिर हम जैक को देखते हैं जो कि कमांडर के कटे हुए हाथ से उस ताज को निकाल लेता है। अब दूसरे जायंट मॉन्स्टर्स की सेना किले के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस चुके थे और जैसे ही वो सारे लोगों को खाने वाले होते हैं तब तक वहां पर जैक आ जाता है और जैक के सर पर ताज देकर वो सारे राक्षस जैक के गुलाम बन जाते हैं। अब जैक उन सभी को आदेश देता है कि वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाएं और दोबारा कभी भी वापस धरती पे ना आएं। आदेश मानकर सारे राक्षस वापस जाने लगते हैं। फिर जैक उन सभी पेड़ों को कटवा देता है और राज्य के सारे लोग चैन की सांस लेते हैं। अब कुछ साल बाद हम देखते हैं कि वो ताज जैक ने पहना हुआ होता है और उसे मॉडिफाई किया जाता है और वही ताज आगे चल के इंग्लैंड के राजा और रानियों का ताज बन जाता है और इसी जादुई बेशकीमती ताज को दिखाकर बच्चों को बहादुर जैक द जायंट स्लेयर की कहानी सुनाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।